छात्र अभिभावक मंच द्वारा प्रदेश के सीएम से मुलाकात की और निजी स्कूलों की लूट को उजागर किया तथा इस लूट को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए प्रदेश सीएम से गुहार लगाई। जब से प्रदेश में कोरोना वायरस फैला है तब से स्कूल बंद है। निजी स्कूल अभिभावकों को अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं कि दाखिला फीस जल्द जमा की जाए, जबकि प्रदेश सरकार व उच्च शिक्षा निदेशालय ने अपने अलग अलग बयानों में कहा है कि कोई भी प्रकार की दाखिला फीस या अन्य फीस छात्रों से नहीं वसूली जाएगी। मगर मंडी जिला के अलग अलग स्कूलों में छात्र व अभिभावकों को दाखिला फीस देने के लिए बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्र अभिभावक मंच जिला उपायुक्त सीधी भेंट की और ये कहा कि जल्द से जल्द प्राइवेट स्कूलों की कमेटी का गठन किया जाए और इन सभी मुद्दों को हल किया जाए तथा इन कमेटी में छात्र अभिभावक मंच से भी कुछ लोगों को रखा जाए। यदि आने वाले समय में इन मुद्दों को हल नहीं किया गया तो छात्र अभिभावक मंच अन्य लोगों के साथ मिलकर सभी स्कूलों के बाहर धरना प्रदर्शन करेगा और प्राइवेट स्कूलों की लूट को उजागर करेगा। इस अवसर पर छात्र अभिभावक मंच संयोजक सुरेश सरवाल, अजय वैद्य, मुकेश ठाकुर, रजत बंसल, मनीष गुप्ता, रश्मि ज्योति, हिमानी संतोष, रजनी इत्यादि लोगों ने हिस्सा लिया। मैं छात्र मंच का सदस्य हूं। आज हम यहां पे जो मिले, हमारा मेन मकसद है कि जो प्राइवेट स्कूल की लूट आज के समय के अंदर चली है कोविड के दौर के अंदर, हम उसके खिलाफत के अंदर आज प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मिले हैं। हमने ये मांग की है कि जो पिछली कैबिनेट ने जो फैसला लिया था 25 दिसंबर को कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने प्राइवेट स्कूल हैं उन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी प्राइवेट स्कूल भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसके माध्यम से ये तय होगा कि कितनी जो है फीस ली जाए, कितनी चार्जेज ली जाए और जो एक्स्ट्रा चार्जेज है उनको ना लिए जाए, जो कैबिनेट का पहले भी फैसला था। उच्च निदेशालय शिमला ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि कोई भी मैसेज या कोई भी फ़ोन कॉल जो है हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल के अंदर जो पेरेंट्स को ना किया जाए। मगर अभी जिस तरीके के हालात डीएवी स्कूल है, दूसरे अन्य स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी सुंदरनगर के अंदर, उन सभी जगह पे जो है फ़ोन कॉल्स हो रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, हमारे पास उसके पुख्ता सबूत भी हैं। यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं। हम यही चीज़ को लेकर आज चीफ मिनिस्टर जी से मिले हैं कि जो आपकी कैबिनेट ने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूल्स को लेकर जो है एक डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से एक कमेटी गठित करेंगे, उसमें तय करेंगे, पेरेंट्स भी होंगे कि क्या चार्जेस होने चाहिए, क्या चार्जेस नहीं होने चाहिए। आज जो है कई जगह पे अलग अलग चीज़ों के नाम पे पैसे वसूले जा रहे हैं, कई जगह एनुअल फंक्शंस भी करवाने की कोशिश हो रही है जिसके तहत बच्चों से हजार रुपये से ज़्यादा फीस जो वसूलने की कोशिश हो रही है। ये कोविड के दौर के अंदर किस प्रकार के फंक्शन जो है ये स्कूल करवा रहे हैं, हम तो यही कहना चाहते हैं कि इन पे सरकार और प्रशासन जो चेक करे कि ऐसे स्कूलों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। इनकी फीसें जो हम प्रदेश सरकार या माननीय हाईकोर्ट का फैसला 2015 का है कि कोई भी जो है हर साल फीस नहीं ले सकता है, जो एनुअल फीस है उसको नहीं ले सकता, अगर जब हुए वो फीस तभी ली जा सकती है जब कोई छात्र जो है दूसरी जगह एडमिशन ले रहा है या बड़ी क्लास के अंदर एडमिशन ले रहा है, वो तभी होनी चाहिए। मगर यहाँ पे जो रूल है उन हाई कोर्ट के रूल को भी जो फॉलो नहीं किया जा रहा है, इन्हीं चीजों के खिलाफत के अंदर आज हमने जो प्रदेश के सीएम से मिले कि ये जो जिस प्रकार की लूट प्राइवेट स्कूल्स की है, इन लूट्स को जो खत्म किया जाए और एक बेहतर नीति जो है इन स्कूलों के लिए बनाई जाए, जिसके तहत जो आज पेरेंट्स जो है दुविधा के अंदर है कि किस तरीके से आज बच्चा हरासमेंट हो रहा है, उसको जो है ऑनलाइन क्लासेस से निकाला जा रहा है, वो कैबिनेट का फैसला है कि किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस से ना निकाला जाए, मगर ये हो रहा है। इसी चीज के खिलाफ हमने आज जो है आज प्रदेश के सीएम को जो ज्ञापन दिया है, अगर आने वाले समय के अंदर ये प्रशासन अगर ये माना नहीं स्कूल मैनेजमेंट, तो हम स्कूल के बाहर मोर्चा खोलेंगे सभी स्कूलों के बाहर और सभी पेरेंट्स को हम मोर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से हम ये चेताना चाहते हैं कि अगर ये लूट कम नहीं हुई, ये लूट बंद नहीं हुई और ये जिस प्रकार की लूट आज चली है अगर ये खत्म नहीं हुई तो आने वाले समय में स्कूलों के बाहर जो प्रदर्शन होंगे जिसकी जिम्मेवारी जो है प्रशासन की और दूसरे लोगों की, धन्यवाद। यही बात कहनी क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब जब हम लोग बच्चे ने वहाँ पे स्कूल में जा नहीं रहा, पानी यूज नहीं कर रहा है, बिल्डिंग यूज नहीं कर रहा, तो एनुअल चार्जेस किस लिए देना? फिर मैंने उनको मैम को सीधे कहा, मैं कहा मैम आप किस चीज़ के लिए फ़ोन कर रहे हैं? कहते हैं हम एनुअल चार्ज के लिए। मैं कहा मैम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया बच्चों ने, कुछ भी यूज़ नहीं किया, कोई तुक नहीं बनता, मैं तो नहीं दूंगा सर। उसके बाद उन्होंने क्या मेरे घर में मेरी वाइफ को फ़ोन करना शुरू कर दिया, उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं।
आपका बच्चा बड़ा ब्राइट है, हम नहीं चाहते कि ब्राइट स्टूडेंट के साथ हम कुछ गड़बड़ करें, तो इसलिए बेटर है कि आप एनुअल फीस दें। कौन सी? ये तो कोई वो नहीं है सर, ये भी सुंदर नगर, ये भी मंडी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने यही कहा, उन्होंने यही कहा कि मैं उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ, तो सर इसके बारे में तो कुछ ना कुछ डिसीजन तो होना ही चाहिए ना, या तो क्लियर करे गवर्नमेंट कि एनुअल फीस देनी है या नहीं देनी है, हमें पेरेंट्स हम इसी चक्कर में कंफ्यूज्ड हैं। समथिंग मांगे हुए हैं हर साल, और 10,000 या 10,000 कहीं का मतलब ये है, क्लास वाइज है, क्लास वाइज जो है वो एनुअल चार्जेस हैं। मतलब हर साल जो बच्चा प्रमोट होता है उसके लिए एडमिशन फीस लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमाचल का सर। मैं लगभग 100 के करीब पेरेंट्स आए हुए हैं, सभी पेरेंट्सों की ही प्रॉब्लम है कि स्कूल जो है वो एनुअल चार्जेस जो है वो मांग रहे हैं। तो अब सभी पेरेंट्स का यही कहना है कि जब बच्चे स्कूल ही नहीं गए तो एनुअल चार्जेस हम किस बात को देंगे, कि स्कूल की मतलब हमारे बच्चों ने कोई लाइब्रेरी यूज़ की, कोई कंप्यूटर यूज़ किया, कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ इनका, या स्कूल वालों ने कोई फंक्शन करवाए, या कोई ट्रांसपोर्ट भेजी उन्होंने बच्चों के लिए, या कुछ और भी किया, तो बच्चा जब स्कूल ही नहीं गया तो एनुअल चार्जेस किस बात गए। सभी पेरेंट्स की यही बात है, और मतलब स्कूल से भी कई कुछ बातें जो है वो पेरेंट्स को बोली जा रही हैं, लेकिन हमें सरकार से यही है कि सरकार क्लियर करे, स्कूल वालों को भी क्लियर करे और पेरेंट्स को भी क्लियर करे। मतलब नहीं तो ये स्कूल वालों के साथ और पेरेंट्स जो पेरेंट्स हैं और प्रिंसिपल हैं उनमें तो डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है। अब बच्चे तो अब सभी ने स्कूल में डाले हुए हैं, अब ये तो बनता नहीं कि बीच में बच्चों को निकाल लें किसी और स्कूल में ले जाएं। तो मतलब पेरेंट्स ये भी नहीं चाहते कि मतलब स्कूल वालों के साथ भी हमारे रिलेशन ख़राब हो, मतलब प्रिंसिपल सर से हमारे कोई इसी बात को लेकर कोई आनाकानी हो जाए, या मतलब फिर इसमें जो है वो बच्चा जो है वो सफ़र करेगा और पेरेंट्स भी सफ़र करेंगे इस बात को लेकर। बस मेरा यही कहना है कि सरकार जो है वो फाइनल डिसीजन जो है वो पेरेंट्स को और स्कूल को कर दे दे, और ट्यूशन फीस जो है वो मंथली वाइज जो है वो पेरेंट्स पे कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी पेरेंट्स मना नहीं कर रहा है कि हमने ट्यूशन फीस जो है वो पे नहीं करनी है, सिर्फ एनुअल चार्जेस की ही जो बात है वो एनुअल चार्जेस के लिए ही सभी मना कर रहे हैं। पर चाइल्ड कितना है एनुअल?